क्या JWST की दूरदर्शिता में आ रही है दिक्कत? क्या नहीं ले पा रहा ये ठीक से कोई तस्वीर? जैसा कि हम जानते हैं कि टेलीस्कोप को इंफ्रारेड रेडिएशन में ब्रह्मांड के कई रहस्यों का पता लगाने के लिए बनाया गया है। नासा ने हाल ही में कहा था कि टेलीस्कोप की इंफ्रारेड टेक्निक इसे 13.5 अरब साल पहले सितारों और आकाशगंगाओं को देखने में मदद करेगा। JWST में 4 वैज्ञानिक उपकरण होते हैं जो प्रमुख रूप से इंफ्रारेड तरंगों का अवलोकन करेगा, जिसमें वह 0.6 से 28 माइक्रोन की तरंगों को पकड़ सकेगा। वेब की सूर्य से बचाव करने वाली बड़ी शील्ड भी है, तो वही वेब नवजात गैलेक्सी देखने में सक्षम होगा। वह गैलेक्सी के शुरुआती रूप, बाहर के ग्रह और तारों की उत्पत्ति भी देख सकता है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर की प्रोड्यूसर सोफिया रॉबर्ट्स ने बताया कि JWST कैसे काम करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वेब टेलीस्कोप एक परावर्तक दूरबीन है। तकनीकी रूप से ये दूरदर्शी है, यानी कि इसका अवतल शुरुआती मिरर प्रकाश को दूसरे उत्तल आईने की ओर भेजता है, जो प्रकाश को वापस अवतल आयताकार आकार के तीसरे मिरर में और फिर अंत में फ्लैट स्टीयरिंग मिरर में प्रतिबिंबित करता है। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च होने के बाद वेब अपनी साइंस गतिविधियों को जल्द ही गर्मियों में शुरू करने वाला है। हालांकि विशाल होने के कारण टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में अत्यधिक ठंडे वातावरण में काम करने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बेरिलियम मिरर इस समस्या को काफी हद तक हल करेगा। इसके मिरर बेरिलियम से बने होने के कारण ये ठंड में आकार नहीं बदल सकता। इन पर सोने की परत भी लगाई गई है ताकि वे उन इंफ्रारेड प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सके जिस पर वेब ध्यान केंद्रित करेगा। वेब को अपना काम शुरू करने से पहले अपना तापमान ठंडा करना होगा, जिसमें कुछ वक्त और लग सकता है। अवरक्त प्रकाश को देखने के लिए इसे वातावरण और वेब के 4 विज्ञान उपकरणों से भी कम ठंडा होना होगा। साइंस की गतिविधियों को शुरू करने से पहले वैज्ञानिकों को प्राथमिक संरेखण का काम पूरा करना होगा और साथ ही इसके उपकरणों की जांच भी करनी होगी। तो फिर से हम अपने सवाल की तरफ रुख करते हैं कि क्या वेब को अपनी दूरदर्शिता में काम करने में परेशानी आ सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन तस्वीरों की अवस्था इतनी बेहतर तो होगी ही, जो खगोल शास्त्रियों के लिए उपयोगी साबित होगी। जैसे ही संरेखण का काम पूरा होगा, एक नए दौर की शुरुआत होगी, जिसमें हमें ब्रह्मांड से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हासिल होंगी जो पहले कभी नहीं मिली। तो है ना आप भी एक्साइटेड इसे जानने के लिए? देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को।